मैंने ना कल सोशल मीडिया खोला तो उस पे ना एक बहुत ही अच्छी गाड़ी काले रंग की थी शायद, उसमें लिखा था ये मेरी सास की दुआ है। की दे रहा बंदा मुसवाका वगैरह दे रहा है, दसो अहीं बागां दे विच निकल के आए हैं ते सानू मुसवाक देंदा है। चिकन है, ये दाल है, दाल है, सलाद वगैरह है और ये रोटी है, तो ये तो मरीज है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और मैं भी खैरियत से हूं। मैं हूं मियां मोहम्मद शफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजवात फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला के फजलो करम और उसके शुक्र से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। हमें जाना पड़ रहा है सियालकोट, तो मैं अंश के साथ जा रहा हूँ जिस सियालकोट, और आप भी इंशाल्लाह देखेंगे जो जो काम भी होंगे इधर। क्यों अंश? तो सियालकोट हम किस जगह पे जा रहे हैं? हम कमिश्नर रोड पे जा रहे हैं। कमिश्नर रोड पे, तो हमें उधर क्या काम है? हमें उधर डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, एक पेशेंट लेकर चेकअप कराना है, अपॉइंटमेंट लिया है। कैरी डब्बे में यहाँ से डलवाएंगे जी पेट्रोल। यार मैं एक हिसाब लगाता हूँ, जब कोई औरतें सफर कर रही हो वो पर्दे में होती हैं, उनको ठंड महसूस होती है। जब यही औरतें शादी पे जा रही तो इनको ठंड क्यों नहीं लगती? ये मेरा सवाल है आपसे। वो खुशी भी होते हैं ना, तो खुशी खुशी में ये जो औरतें शादी पे जा रही हूँ उनको ठंड नहीं लगती? क्योंकि वो खुशी खुशी में जा रही होती है तो कहते हैं ठंड, अगर घर का काम करना हो तो फिर जरूर ठंड लगेगी। गाड़ी के पीछे लोगों ने ना बहुत सी ट्रेनिंग कराई होती है, तो मैंने गाड़ी के पीछे जो आपने देखा पड़ा वो लिखाया हुआ था गुजर, उसमें जीम थी ना जो वो उर्दू में लिखी थी, बकाया सब लफ्ज अंग्रेजी में थे, तो जो जीम थी ना वो उर्दू में, पाकिस्तानी हर चीज मिक्स हो जाती है। ये एक गाड़ी हमारे सामने से गुजरी है, उसमें लिखा था कि ये मेरी माँ की दुआ है। तो मैंने ना कल सोशल मीडिया खोला तो उस पे ना एक बहुत ही अच्छी गाड़ी काले रंग की थी शायद, उसमें लिखा था ये मेरी सास की दुआ है। यकीन करे तो मुझे बहुत हंसी आई। हाँ मैंने भी यही हिसाब लगाया कि ये हो सकता है कि इसकी सास ने ना इसे गिफ्ट दी हो, या हो सकता है चीज में भी दी हो। ठंड है, हम तो इधर कैरी डब्बे में ना बैठे हैं बड़े मजे मजे से, मोटरसाइकिल वालों का बहुत ही आप बुरा हाल है। आज का डॉक्टर फिरदौस आशिक बान का जो डेरा गुजरा है इसमें कोई गहमा गहमी नजर नहीं आ रही, इलेक्शन के दिन है तो पहले तो ऐसा होता था कि इसके इलेक्शन हॉल में गहमा गहमी होती थी, तो डॉक्टर फिरदौस आशिक बान के इलेक्शन हॉल में कोई गहमा गहमी नजर नहीं आ रही, लोगों का जोशो फरोश है वो तो मात पड़ गया है, तो वो नजर नहीं आ रहा, क्या वजह है इसकी? ड्राइविंग करना यार पाकिस्तानी रोडों पे बहुत मुश्किल था। आप जी आप भी चला सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं ये कैरी डब्बे की? जी जी यार मैं तो ट्रैक्टर की ड्राइविंग कर सकता हूँ, खेती बाड़ी की जो है ना वो खेत में हल चला सकता हूँ, कभी मैंने जो है ना वो कैरी डब्बे की तो नहीं की, मुश्किल काम है ये। आपने चलाना सीखी है ना, एक बात याद रखनी है
ये बचपन में जो जिस चीज की जो चीज चलाना आ जाए ना, मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो, मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो, साइकिल वगैरह क्यों ना हो, क्योंकि जब बंदा बड़ा हो जाए ना, जब मेरी तरह हो जाए ना, तो वो ड्राइविंग नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत मुश्किल काम है ये, आसान काम नहीं है। तो ट्रैक्टर जो होता है ना, वो तो खेतों में चलाना होता है, उधर कौन सी गाड़ी आ रही होती है, ना कोई गाड़ी होती है। अगर कहीं चला भी जाए तो आगे बनना ही होगा ना, बनना क्रॉस करते हैं, या ऐसे घुमा लो तो वो घूम जाएगा। तो खेतों में ट्रैक्टर चलाना और रोडों पे कार या कैरी डब्बा चलाना, वो काफी मुश्किल काम है। वैसे मैं चला लेता हूँ, अपने बजुआत में चला लेता हूँ, क्योंकि उधर ट्रैफिक नहीं ना होती, तो उधर मैं जो है ना वो चला लेता हूँ। लेकिन इधर सियालकोट में नहीं, या मेन रोडों पे नहीं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ये देखिए ना, माशाल्लाह से आप स्पीड से चला रहे हैं, तकरीबन 60 या 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आप 60 किलोमीटर है, माशाल्लाह। वैसे ना, जब से हमारा ये सैदपुर रोड बना है ना, तो हमें सियालकोट जाना बहुत ही आसान हो गया है। ये जी माशाल्लाह नून लीग वाले हैं, तकरीबन शेर है। हाँ, ये जी इनको बहुत खुशी चढ़ी हुई है। ये जी आजकल शेर वाले जो है ना, वो बहुत ही शेर बने हुए हैं। बने हुए जी, शेर वाले शेर बने हुए हैं, और पीटीआर वाले जो है ना, वो आजकल थोड़े से मायूसी है। तो इलेक्शन में यही पता चलना है कि कौन शेर है और कौन गीदड़ है। ये मिस्टर कट्स लिखा हुआ है, ये क्या है? नाइयां दी दुकान है। तो एक पासे गंजा बंदा है, एक पासे जेड़ा ना दाढ़ी वाला बंदा है। ये जेड़ा गंजा ना, वो ना मतलब है कि तुसी इत्थे भी मेरे कोल पा सकदे हो। अजीब चीज लगाई है। शॉप का नाम रखा हुआ ना, नाम भी अजीब हो गई थी, पाकिस्तानी नाम है मिस्टर कट्स। पाकिस्तान में कोई भी रख ले नाम चल जाएगा। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਸਕਰੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਵੀ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਐਡੀਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਵੀਆਂ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਮੈਕੂ ਨਾਲ ਡਾੜੇ ਨੇ ਲਾਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਲਓ ਜੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਮਾਮਾ ਜੀ? ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ? ਨਵਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ, ਕਿ ਦਿਹਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਰ ਲੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਲੈ ਆਇਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ? ਮਸਵਾਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਸਵਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾਰ,
दवाई लेने के बाद हम पहुंचे हैं भाई सलीम के घर। तो इधर तो हमारी पूरी दावत कर दी है भाई सलीम ने, अम्मी ने भी घर जाना है, ये अम्मी बैठे हैं, अम्मी को लेने आए हैं। तो अम्मी ने इधर से रोटी का इंतजाम कर लिया है। क्यों अंश भाई जी? बिल्कुल। क्या है ये? चिकन। चिकन है जी, ये दाल है, दाल है, रायता है, और ये सलाद वगैरह है, और ये रोटी है। तो ये तो मरीज है। आपने मरीज भी देखा है, ये मरीज है, और ये अंश भाई है, और ये अम्मी है, और ये मैं हूँ, और ये खाना है। अब खाना खाने के बाद ही आपको मिलते हैं। अब हमारी खिदमत जनाब का हो रही है चाय से। चाय के बाद जो है ना वो चलते हैं। और मरीज साहब भी माशाल्लाह खड़े। अंसे ये कौन सी जगह है? ये ब्रांड विलेज है। ब्रांड विलेज बढ़िया बतिया बुतिया लगी है। चलो अभी को बतिया भी देख लिया ने ऐसे वाले। अगर शॉपिंग करनी हो है ना दसियो, डिस्काउंट भी दे दा। अच्छा जी जी, है शॉपिंग सेंटर है। कोई शॉपिंग सेंटर है, अगर शॉपिंग करनी है ना ते कहते पकोड़े समोसे वाले की दुकान है। सारी दुकान है तो सब कुछ मिलेगा। चलो ऐसे बतिया बुतिया देख लिया ना शहर। हाँ जी, कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा शॉप। कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा शॉप। हाँ जी, कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा शॉप। बड़ी बड़ी टीवी लगी थी मामा जी, वो ही स्क्रीन है जिदे वाले तुसी कहंदे जे। अच्छा हाँ जी, मैं भूल गया, मैं कोई नवी जड़ी है ना वो कोई टीवी है लगी। नहीं नहीं है, वो ही स्क्रीन लगी हुई है। अच्छा अच्छा, एक दफा ना मैं फिर फिल्म देख ले। अच्छा सिनेमा? नहीं, आम टेलीविजन देख। एक पुराने बुजुर्ग भी साढ़े बच्चे जेड़ा ना बह के वो फिल्म देख रहे जी जी। पूरे बच्च ना मझा चुक दिया पी फिल्म के। अच्छा, तो बुजुर्ग जेड़े है ना वो बेचारे सोची पै गए। बुजुर्ग थोड़े जे पुराने हैं जी, वो सोची पै गए। तो सोची पै गए तो मैनू कहन लगे कि यार एक गल की समझ नहीं आती, बंदे दे विच टीवी दे बढ़ गए। मझा टीवी किस तरह बड़ी है ना, बंदे वाली गल तो समझ आती है कि टीवी च बड़ी। तो मझा किस तरह बड़ी है? तो असि पिंड के लोग हाँ, तो देखे एड्डी वड्डी टीवी लगी। तो भी बस तकरीबन हम अपने गांव पहुंचने वाले हैं। तो मेरे साथ दे रहे थे अंश। भी बस आज के लिए इतना ही। अपना और अपने के दोनों का ख्याल रखें। सफाई भी सम्मान है। अल्लाह हाफिज़।